ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, फिर भी और किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ। माता जी ने एक पूछा, समझ में आया माता जी को? तन कितना लगाना चाहिए? और कौन बताओ, और किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ। हाँ वो भी है दोनों। अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इधर पहले आपने पूछा ना, हाँ इन्होंने एक प्रश्न पूछा, भाई जी मेरे सामने दो है, मेरे पास पैसा है, एक बाबा को भी देना चाहिए, और मैं जे ये देखा मेरे सामने एक व्यक्ति आया, गरीब है, बीमार है, उसको हॉस्पिटल में डालने के जाने के लिए पैसे चाहिए। अब मैं बाबा को दे दूँ कि अब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में डालने के लिए दे दूँ, किधर खर्चा करो, उनके सामने प्रश्न है। अभी उसके लिए मैंने कहा मैं एक प्रश्न बताता हूँ कि बहन जी के घर के बाजू में एक मंदिर बन रहा है, वहां 10,000 लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, और आपके इस बाजू में एक सेंटर भी बन रहा है, तो आप देखते हो वहां 10-12 माताएं भाई रहते हैं, 10-12 लोग, तो आपको लगा इधर 1,000 रुपया दिया तो बस, यहाँ 1,00,000 रुपया देना चाहिए, 10,000 लोग रोज दर्शन करने आएंगे, है ना, आपका 1,00,000 रुपया 10,000 लोगों को तो मिलेगा, और यहां थोड़े से 1,000 रुपया दिया तो बस, तो क्या करना चाहिए बताओ, कौन बताएगा? भाई जी बताएगा। तभी तो मैंने कहा यहाँ मंदिर बन रहा है, है ना, और यहाँ सेंटर बन रहा है बाबा का, तो उसको मन चल आया कि यहाँ थोड़े से दिया था बस, यहाँ 10,000 लोग आएंगे, यहाँ ज्यादा देना चलेगा, उन्होंने जो निर्णय लिया सही। उधर तो 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोगों को सुख मिलेगा, माता जी बताओ है तो वाला भाई बताओ क्या करना चाहिए? सेंटर में नहीं, अगर एक बैंक वाला 10% इंटरेस्ट देता है, एक बैंक वाला 1% इंटरेस्ट देता, पैसे कहाँ रखेंगे आप? जहाँ 10% इंटरेस्ट, 1% में नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ 10,000 लोगों को सुख मिलेगा, यहाँ तो थोड़े से लोग हैं, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, वहां कम मिलेगा, हाँ इसलिए पूछा। तो इधर देख लो, जो मंदिर में आपने 1,00,000 रुपए दिया, तो वहां आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाहर जाके क्या करेंगे? परिवर्तन कुछ करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। आपने जो धन लगाया उसका फायदा क्या है? यहाँ 10 माताएं भाई बहन आते हैं रोज, बोली तो बहुत माता जी गुस्सा करती थी, अब 1 महीने के अंदर देखा गुस्सा छोड़ा, बुराई छोड़ी, कुछ परिवर्तन किया, वहां कुछ परिवर्तन है, तो यहाँ जो बीज बोया उससे कुछ उगा, उससे आप इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ जो बीज बोया उससे क्या होगा? अभी आपने पूछा बाबा के पास देते हो, बाबा ने एक का पदम गुना कहा, 21 जन्मों के लिए आपको फल देगा, उस गरीब को आपने दिया तो वो कुछ देगा? वो गरीब नहीं, हाँ बीमार है, जरूरी है, तो उतना करो जरूर, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं देना, उसको बोला तुम हॉस्पिटल में जाओ ट्रीटमेंट करो, मैं डॉक्टर को पैसा दूंगी, आप उसके हाथ में देना, ये पहले करना है, बीमार है, और उसके बाद उसको पैसे इतना देके छोड़ना नहीं, उसको फिर आपने ज्ञान भी सुनाना है, दोबारा ऐसे कर्म करके बीमार नहीं बनना है, नहीं तो शराब पीएगा बीमार हो गया,
आपने ठीक कर दिया, फिर से शराब पिएगा। आपने ठीक तो किया, शरीर को किया, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। दोनों करना चाहिए। उसको बोलो आप हॉस्पिटल में डालो, बीमारी को ठीक करो, फिर उसको ज्ञान भी सुनाओ। दोनों आत्मा और शरीर दोनों के काम सेवा करना चाहिए। ये तो शरीर भी किया, आत्मा के लिए कुछ नहीं, और यहाँ सीधा भगवान की सेवा कर रहे हो। वो एक का कदम बना देता है। इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए, नहीं वो भी करना चाहिए, फिर उसमें दोनों करना चाहिए। नहीं तो आज आप क्या कहते, रस्ते पर गरीब है, आपने 10 रुपए दे दिया दान किया, उसने शराब पिया, तंबाकू खाया, तब का दान करते समय पात्र को देख के दान करना चाहिए। समझ में आया? दान करना पता है किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, किसी के पास फटे हुए कपड़े हैं, कपड़े लेके दे दो, पैसे नहीं दे। खाने के लिए कुछ नहीं, खाना देती हूं मैं, पैसे नहीं देना। दान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करने का तरीका चाहिए।